एमएनएस न्यूज पर देखते आज की कुछ खास खबरें। प्रत्याशियों के खर्च पर पैनी नजर, रोजाना देनी होगी जानकारी। गोंदिया विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों को चुनाव आयोग के द्वारा 28 लाख रुपए खर्च करने की सीमा निर्धारित की है। इसके बावजूद प्रत्याशियों द्वारा होने वाली भारी भरकम खर्च और उसे लेकर प्रस्तुत किए जाने वाले विवरण पर अब तक जो चल गया है वह अब नहीं चलेगा। इस तर्ज पर चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों के खर्च पर पैनी नजर रखने के, सीबीजीएल ऐप आचार संहिता के उल्लंघन पर निगरानी रखने के लिए निश्चित की है। बीजेपी सरकार को दिखाए घर का रास्ता। अकोला विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार शुरू हो गया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस, कांग्रेस आघाड़ी के बालापुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए प्रत्याशी संग्राम गावड़े के प्रचारार्थ आम सभा हुई, जिसमें राष्ट्रवादी के सर्वे सर्वा शरद पवार ने संबोधित किया। पवार ने कहा कि आज किसान सभी बातों से त्रस्त है, उन्हें कर्ज माफी का लाभ नहीं मिला है, कृषि उपज को भी उचित दाम नहीं मिल रहे हैं। नोटबंदी के बाद जीएसटी प्रणाली लागू किए जाने से व्यापारी परेशान हैं, बेरोजगारी बढ़ी है। अतः भाजपा सेना युति को अब घर का रास्ता दिखाना जरूरी है। सामने चुनाव और राहुल विदेश में। कितनी विचित्र बात है कि महाराष्ट्र और हरियाणा के विधानसभा चुनाव सामने रहते कांग्रेस के शीर्ष नेता राहुल गांधी पलायन कर विदेश जा बैठे हैं। क्या यही समय है उन्हें बैंकॉक जा, कबोडिया जा विपश्यना करने के लिए मिला? यह ऐसी साधना है जिसमें बाहरी दुनिया से ध्यान हटाकर एकांत कमरे में पूरी तरह मौन रहकर अपने मन व आत्मा की गहराई में आत्मचिंतन करना होता है। इस दौरान टीवी देखने या पत्र पत्रिका पढ़ने की पूरी तरह मनाही रहती है। राहुल का ऐसा आचरण रणछोड़ प्रवृत्ति ही कहलाएगा। राहुल के इस आचरण पर पार्टी के प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील देते हुए कहा कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्रजातंत्र की अनूठी देन है जिसका सबको सम्मान करना चाहिए। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखे और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उस पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक है ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहे MNS न्यूज लाइव के साथ। नमस्कार।